राम राम जी सार्या ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सार्या का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई तड़का है मॉर्निंग की कोल्डनेस में एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो और सुना दो भाई ताई आले के अंतर है। तो भाई सीईटी वाले खातर एक बढ़िया खबर आ गई है। सीईटी परीक्षा पैटर्न का हमें बदलाव हो गया है। जो एग्जाम पैटर्न तराना था उसका हमें चेंज कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड की डेट भी जारी कर दी। भाई एडमिट कार्ड तारे कब जारी होंगे और हरियाणा जी के कितनी आओगी कौन आओ के कुछ आवा मामला सारा का सारा सेटअप कर दिया है। देख लो उस तक पहला भाई अगर भाई कोई भी भाई सीईटी की तैयारी करना है तो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। अगर किसी को चाहिए तो किरण पब्लिकेशन जो बुक है इनके द्वारा है आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपके निकाल ले गए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर अभी तक एचएसएससी के जितने हुए हैं 2015 से लेकर 2021 तक के सारे पेपर सोल्ड पेपर्स हैं आप लोगों को दिए जाओगे। जिसको भी अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो सारा का सारा सॉल्यूशन सब कुछ करवाया गया है। तो भाई किरण पब्लिकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार सीखो भाई किसी ना भी अगर खरीदनी हो तो। और भाई तावना बेरा अगर पेपर क्लियर करना है तो सीईटी का जो कह का हो मॉक टेस्ट देने सारे में गणे जरूरी है। अगर तावना प्रैक्टिस सेट चाहिए हो तो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा तार थी। जॉब्स टारगेट नाम था अपना ऐप है, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, उससे डाउनलोड कर लियो उड़ा तारती प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अगर उसमें तारे 70+ आने लग रहे हैं तो नु समझो भाई तारा सिलेक्शन है 100% सिलेक्शन की गारंटी नु समझो। 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे तारती 90 रुपया का, मैं तारती 15 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए जाऊंगे। एक डेमो प्रैक्टिस सेट भी वो देख लियो तो हमने बेरा लाइक जाए किस डल का लेवल है प्रैक्टिस सेट का क्या कुछ मामला है। तो चेकआउट मार सको भाई क्योंकि पेपर खातर प्रैक्टिस सेट बहुत कंपलसरी है। हरियाणा इवलग जिसका सिलेक्शन है किसी पूछ लो पूछना प्रैक्टिस सेट ना लगाए हो तो ऐसा हो कौन सकता। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का एनटीए को सुझाव, सीईटी के लिए आंसर शीट में हर सवाल को हल करना कंपलसरी करें। देखो क्या आया है सारा सिस्टम। और आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा के साथ विशेष बातचीत में कहा सीईटी 5-6 नवंबर को ही होगा। सीईटी का पेपर वहाँ जो भी लोगों का मैं बैम बढ़ रहा है ना भाई सीईटी का पेपर 5-6 तारीख ना को नहीं हुआ है। तो चेयरमैन साहब ने फिर इंटरव्यू दिया है कल दैनिक सवेरा आया लगे तो इसका मैं फिर यह बात कही गई है। एडमिट कार्ड की डेट भी बताई गई है, सब कुछ बताया गया क्या कुछ मामला है। देखो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सुझाव दिया कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आंसर शीट में हर सवाल को हल करना कंपलसरी किया जाए। अभी एनटीए का प्रस्ताव कि हर सवाल के 4 विकल्प के बाद 5वां गोलदारा भी होगा जिसमें लिखा गया कि सवाल का कोई भी विकल्प नहीं भरा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने वीरवार को दैनिक सवेरा के साथ विशेष बातचीत में बताया कि आयोग का सुझाव है कि यह 5वां विकल्प न देकर 4ों विकल्प में किसी भी विकल्प पर टिक मार्क करना सुनिश्चित किया जाए। यानी हर सवाल का उत्तर देना जरूरी हो मगर सवाल गलत होने पर कोई नेगेटिव मार्किंग ना हो, इससे आंसर शीट में किसी भी पर्सन का उत्तर रिक्त नहीं छूटेगा। उन्होंने बताया कि यह भी सुझाव है कि अगर कोई उम्मीदवार 4ों विकल्पों में से किसी भी विकल्प पर टिक नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उस पर्सन का अंक काट लेना चाहिए। यानी अगर कोई उम्मीदवार किसी पर्सन के उत्तर में टिक नहीं करता तो उन्होंने बताया गया कि सदस्य यही चाहते हैं। देखो भाई के कुछ सिस्टम दे रखा, खबर यह दे रखी है कि भाई पहला नू सिस्टम कौन कहता था भाई 5 विकल्प आऊंगे भाई 5 ऑप्शन दिए जाओगे। पहला नू कही थी भाई 5 ऑप्शन दिए जाओगे और 5 ऑप्शन आवा था अगर कोई ऐसा अगर आपको नहीं आता तो जो 5वां ऑप्शन है ना 5वां ऑप्शन क्या होगा भाई इनमें से कोई नहीं उसको ऊपर तो मतलब गोला भरना जरूरी है। लेकिन ये एचएसएससी वाले ने के कही है एनटीए वाले लगे नू कही भाई 5 ऑप्शन देने की बजाय 4 ऑप्शन दे दो, 5 ऑप्शन देने की जरूरत कौन है 4 ऑप्शन दे दो और उस पर टिक करना कंपलसरी कर दो भाई 4वां का मतलब एक उत्तर बताना तो जरूरी है। और कोई सा अगर खाली छोड़ देगा भाई मान लो भाई तुमने कोई सा पर्सन नहीं आता नेगेटिव मार्किंग है को नहीं और अगर कोई सा पर्सन ना अगर कोई खाली छोड़ोगे तो नेगेटिव मार्किंग है तो नंबर जरूर कट जाएगा। मान लो तार 4 ऑप्शन दिए गए हैं किसी एक पर्सन के तो हमने उन्होंने माता किसी का भी टिक नहीं लगाया खाली छोड़ दिया पर्सन तो तारे उसके नंबर काटे और जाओगे नेगेटिव मार्किंग और लगाई जाओगे। मतलब एक का तो टिक करना जरूरी है नहीं तुक्का मारना जरूरी है। आगे बात समझमा और की चीज़ कही है भाई सोशियो इकोनॉमिक के अंक नो कया है एनटी आड़ा लग कि भाई तामना सिर्फ 95 नंबर का पेपर लेगी 95 नंबर का पेपर होगा सीईटी का 0.95 नंबर का 1 पर्सन तो सोया होंगे यानी कि 0.95 नंबर का है 1 पर्सन आओगा और तारा 95 नंबर का पेपर होगा के गया है एन टी वाला लगा एच एस एस सी वाले ना ये बता 95 मतलब नंबर जोड़ की बताइए मार लग। ठीक है जैसे किसी का 95 मतलब 90 आ गए 95 मतलब 80 आ गए जितने आ गए 5-5 नंबर जो सोशियो इकोनॉमिक के वो आम जोड़ाएंगे तो हमारा द्वारा लिस्ट भेज दियो बना के आम आप जोड़ जाएंगे सारा का सारा सिस्टम। उसके बाद के एडमिट कार्ड का ऊपर भी बात करी गई भाई एडमिट कार्ड क्या कुछ कब होंगे। देखो यार एडमिट कार्ड तो 4-5 दिन पहले ही डाउनलोड
डोंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी से दैनिक सवेरा ने पूछा कि उम्मीदवार लगातार पूछ रहे हैं कि आयोग ने सीईटी का नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया है, सीईटी के 5-6 नवंबर होने पर आशंका जताई जा रही है। गणे कणखरे के बालक अनुकम है वह 5-6 तारीख ना कोई हुए, कोई नोटिफिकेशन को नहीं आया कि मैं एडमिट कार्ड को नहीं आए। तो चेयरमैन साहब ने क्या कहा है, ऐसी आशंका नहीं रखनी चाहिए, सीईटी हर हालात में 5-6 नवंबर को होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि एनटीए से बात हुई थी तो एनटीए का मानना है कि एडमिट कार्ड 4-5 दिन पहले ही डाउनलोड होंगे। एडमिट कार्ड है पेपर से 4-5 दिन पहले, यानी समझो 31 अक्टूबर या 1 या 2 नवंबर के आसपास एडमिट कार्ड आओगे तारे। दैनिक सवेरा ने पूछा कि आयोग को पब्लिक नोटिस जारी कर देना चाहिए कि सीईटी 5-6 नवंबर को होगा। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इस पर आयोग विचार करेगा और पब्लिक नोटिस जारी करेगा, यानी चेयरमैन साहब और हैं मीटिंग करेंगे और नोटिस जारी कर दें, सीट पेपर 5-6 तारीख ना होगा, तैयारी में जुट जाओ। उन्होंने कहा कि एनटीए ने आयोग को 5-6 नवंबर के लिए कंफर्मेशन लेटर भेज रखा है, यानी अभी तक है एनटीए का गला जो बातचीत हुई थी, एनटीए वाला पूछा था एचएसएससी वाला ना 5-6 तारीख ना पेपर लेओ या कौन लेओ, तो ना कंफर्मेशन लेटर भेज दिया एचएसएससी वाला द्वारा एनटीए वाला ना कि भाई हां भाई 100% 5-6 तारीख ना पेपर लेवांगे। सुन गया भाई, अब तो तैयारी में जुट जाओ लठो, ये अफवाह में ध्यान ना रखो। अरे हरियाणा जीके का संबंधित भी प्रश्न है कि सिलेबस में 25% प्रश्न है हरियाणा से संबंधित होंगे, सीईटी कुल 95 अंक का होगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी से पूछा कि एनटीए को सीईटी का सिलेबस बता दिया, तो इस बारे में क्या कहा है कि एनटीए को बता दिया कि कुल 100 प्रश्नों में से 25% हरियाणा से जुड़े होने चाहिए, यानी कि 100 प्रश्न आओगे तो 100 मतलब 25% हरियाणा जीके के होने चाहिए। इसके अलावा जनरल नॉलेज, रीजनिंग, गणित, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, 10वीं तक की साइंस अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न होंगे। उन्होंने बताया कि कुल अंक 95 होंगे, यानी कि 1% 0.95 नंबर का होगा। उन्होंने बताया कि एनटीए से कहा गया है कि 1 महीने के भीतर सीट का परिणाम दे दें, इस पर एनटीए ने सहमति जताई, भाई 1 महीना के अंदर सीट का रिजल्ट भी आएगा, समझो दिसंबर लगातार रिजल्ट भी आएगा। आगे बात समझमा, तो यानी कि भाई सीटी से संबंधित ये खबर आई है आज का अखबार काम है, भाई पेपर तारा 4-5 नवंबर ना 100% कंपलसरी वो है, पूरा का पूरा डन है भाई, 4-5 नवंबर ना पेपर होगा। दूसरी चीज़ एडमिट कार्ड की डेट भी आ गई, भाई पेपर से 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होंगे। तीसरी चीज़ हरियाणा जीके के 25% आओगे, 100 मतलब 25% तारे हरियाणा जीके के आओगे, हरियाणा से संबंधित पर्सन आओगे। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दो, सीट का पेपर 5-6 नवंबर को 100% होगा। एनटीए वाले ने अभी एचएसएससी वाले द्वारा नोटिस भेज दिया है, कन्फर्मेशन लेटर भी भेज दिया है। आगे बात समझमा, और जब भी तैयारी नहीं करो तारा उल्टे लागे रहें तो लागे रहोगे। आपने भी डेली साधना क्लास होगा 8:15 बजे लाइव हरियाणा जीके इंडिया जीके के पर्सन उसमें करवाए जाए हैं, उसना ज्वाइन कर सको हो, रिवीजन जिसना मारनी हो, ठीक है। तो सहरे थी, राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खेच जाओ, पढ़ लो, खेच जाओ लाइब्रेरिया में।